नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज गाइज मैं करने वाला हूँ टेक समाचार की 8th वाली एपिसोड, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत सारे टेक न्यूज के बारे में एंड आपको देने वाला हूँ बहुत सारी टेक न्यूज वाली एक सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाचार से एंड गाइस, सबसे पहले समाचार है रेडमी की 10 जो मोबाइल है इसके बारे में। खबर कुछ ऐसा है कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं फोन एंड गाइस, इस फोन में रहने वाला है 50 मेगापिक्सल का कैमरा विथ और भी काफी सारी एक्साइटिंग चीजों के साथ लॉन्च होने वाले ये फोन बहुत ही जल्द। फिलहाल अभी डेट वगैरह रेडमी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया तो नहीं गया, लेकिन जब भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा मैं भी आपको बता दूंगा दोस्तों। उसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और इसी तरह की न्यूज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अगले समाचार की बात करो तो अगला समाचार है दोस्तों गूगल की तरफ से। गूगल पिक्सल ने फिलहाल काम कर रहे हैं फोल्डिंग डिवाइस पर और खबर कुछ ऐसा है कि इस साल में ही हमें वो फोल्डिंग डिवाइस बाजार में देखने को मिल जाएगा एंड अगले साल जो होगा वो रोलिंग फोन जो है वो गूगल लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आते हैं कि गूगल के ये जो फोल्डिंग फोन है या फिर रोलिंग फोन है ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग गूगल के फोन गूगल पिक्सल्स का जो फोन है वो खरीदते नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं। आप नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा कि आपका क्या राय है गूगल पिक्सल फोल्डिंग फोन के बारे में जो आ रहे हैं बहुत ही जल्द इंडिया में। अगली समाचार है दोस्तों OnePlus Nord 2 के बारे में। OnePlus Nord 2 फिलहाल बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में एंड गाइस खबर कुछ ऐसा है OnePlus Nord 2 ने बहुत ही अच्छा जुगाड़ किया है इसके कैमरे पे। 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको पीछे की तरफ OnePlus Nord 2 में दिखाई दे सकते हैं, उसी के साथ और भी काफी सारे एक्साइटिंग चीजें आपको OnePlus Nord 2 ऑफर करेगा, ऐसा OnePlus की तरफ से खबर निकल के आया है। तो देखते हैं OnePlus Nord 2 आखिर किस प्राइस रेंज में आता है एंड गाइस इसका और भी जो स्पेसिफिकेशन अच्छा स्पेसिफिकेशन ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अगली समाचार भी है दोस्तों OnePlus की तरफ से। OnePlus ने फिलहाल Buds Pro निकालने वाले बहुत ही जल्द एंड गाइस जहां पे आपको मिलने वाले ANC का सपोर्ट यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट भी यहां पे आपको मिलेगा एंड गाइस ये Nord 2 जिस दिन रिलीज होगा उसी दिन ये भी रिलीज कर दिया जाएगा OnePlus की तरफ से, ऐसी ही खबर है। तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा OnePlus से कि प्लीज इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा मत रखना, थोड़ी कम रखिए ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, यंगस्टर है जो, वो भी इसका मजा उठा पाए। इतना मत रखना वो एयरपोर्ट्स प्रो की तरह के 20-22 हज़ार रख दिए, 25 हज़ार रख दिए ताकि साधारण से एक आदमी ANC का मजा ही ना उठा पाए, तो ये वेस्ट हो जाएगा नॉर्मल लोगों के लिए। आई थिंक मेरे को ये लगता है, आप नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा कि इसका प्राइस आखिर OnePlus को क्या रखना चाहिए ताकि साधारण सा आदमी इसको यूज कर पाए एंड इसका मजा उठा पाए दोस्तों फुली तरीके से। अगली समाचार की अगर बात करें तो अगला समाचार है दोस्तों 23rd ऑफ जुलाई को पोको X3 GT फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये पोको की तरफ से ऑफिशियली बता दिया गया एंड ये बेसिकली एक कॉपी फोन होगा, रेडमी K40 का कॉपी फोन होगा जो इंडिया में लॉन्च नहीं कर दिया गया था। पोको X3 GT के रूप में वो वापस आने वाले हैं इंडिया में एंड गाइस बेसिकली ये गेमिंग फोन होगा, तो जो लोग गेमर्स हैं उनको बहुत ही मजा आने वाला है इस फोन में गेम खेल के। 23rd of July को हमें पता चलेगा कि पोको X3 GT आखिर कैसा है, कैसा लोगों के अंदर गेमिंग का मजा ये डाल देता है एंड गाइस देखने की बात यह है कि और क्या क्या फीचर्स हैं पोको X3 GT ऑफर करते हैं उसके फोन में। 23rd of July को आने वाला है पोको X3 GT दोस्तों। अगले समाचार की बात करो तो अगला समाचार है दोस्तों MediaTek Helio G की तरफ से दो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया गया है, G96 एक प्रोसेसर और दूसरा है G88 प्रोसेसर। ये बेसिकली आपको 10,000 से 13,000 रुपए के जो फोन है उसमें आई थिंक ये दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर तो यही कहता है कि 10,000 से 13,000 के फोन में अगर होगा तो बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा के प्राइस वाले फोन में होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत सीन हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रोसेसर भी हम इसको नहीं कह सकते कि 15,000 16,000 17,000 के फोन में ये दिखाई दे। अगले समाचार की बात करो तो अगला समाचार है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 एडिशन के बारे में जो 21st of July को लॉन्च कर दिया जाएगा। सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है एंड गाइस जहां पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले का फैसिलिटी मिल सकते हैं, 6000 mAh का बैटरी आपको दिखाई देगा एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहां पे दिखाई देगा जो बहुत अच्छी बात है एंड गाइस प्राइस वगैरह के बारे में अभी तक सैमसंग की तरफ से कुछ खुलासा किया नहीं गया, लेकिन
मेरा ये गेसिंग है कि शायद 15,000 के नीचे वाले प्राइस रेंज में ये आ जाएगा। अगर आ गए तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ोन शायद बिक सकते हैं, अगर 15,000 के ऊपर चले गए प्राइस रेंज तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना सैमसंग को शायद करना पड़ सकता है। एंड प्रोसेसर के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, मेरा हिसाब से जो लगता है कि एक्सिनोस का प्रोसेसर इसमें आ सकते हैं, ला सकते हैं सैमसंग। ये टोटली मेरा गेसिंग है, सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, मैं गेसिंग कर रहा हूँ कि एक्सिनोस का प्रोसेसर हो सकता है। वैसे आप नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताएंगे कि आपको क्या राय है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए एंड इसका प्रोसेसर क्या हो सकते हैं। गेस कीजिए दोस्तों क्या हो सकता है। अगले समाचार की बात करें तो अगला समाचार है दोस्तों, 200 मेगापिक्सल का कैमरा से खींचा गया एक पिक्चर हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। एंड ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाले हैं Redmi Note 11 Pro के जरिए हमारे हाथ में, हमारे पृथ्वी में, हमारे इंडिया में आ सकते हैं बहुत ही जल्दी। फिलहाल अभी Redmi की तरफ से कुछ कन्फर्म किया नहीं गया है कि हाँ ये आने वाले हैं, ये कन्फर्म्ड है, ये आ सकते हैं। बस कुछ पिक्चर सामने आया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यही है उसका पिक्चर जो शायद आ सकते हैं 200 मेगापिक्सल का कैमरे के साथ Redmi Note 11 Pro शायद बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो बात करते हैं लास्ट में फाइनल समाचार के बारे में। लास्ट एंड फाइनल समाचार की बात करूँ तो लास्ट में फाइनल समाचार है Nokia XR20 के बारे में। ये बेसिकली एक फोन है जो बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है Nokia। बेसिकली एक फ्लैगशिप फोन होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये एक रगेड फोन होगा ये जरूर कहा गया है, Nokia की तरफ से कन्फर्म कर दिया गया है। और Nokia ये भी बोल रहा है कि आप इसके साथ कुछ भी करो, इसको फेंक दो, इसको किसी से टकरा दो, इसके ऊपर बैठ जाओ, कुछ भी करो, ये फोन टूटने वाला नहीं है, आप इस फोन को टूट कर दिखाइए तो हम मान जाएंगे, ऐसा Nokia सच में कह रहा है, जो बहुत बड़ा एक बात होता है कि आप चैलेंज कर रहे हैं Nokia ओपनली सबको कि आप इस फोन के साथ कुछ भी करो। तो देखते हैं कि इसमें बस आपको रगड़नेस देखने को मिलता है या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन, वैसे नॉर्मली स्पेसिफिकेशन अच्छा तो नहीं होता, देखते हैं गाइस आखिर क्या होता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आपको प्राइस रेंज क्या देखने को मिल सकता है। वैसे Nokia है कुछ ज़्यादा की प्राइस रेंज रखेगा, 5-10 हज़ार में तो फ़ोन इसका आने वाला नहीं है, करीब 20,000 के ऊपर ही होगा ये तो कॉन्फर्म है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस आखिर में क्या होता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो बना रखकर वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो करते वक्त थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे को मिल जाए। कमेंट करके नीचे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है वीडियो के बारे में, मेरे को इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट करते हुए जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दे सकूँ। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, वैसे मैंडेटरी तो नहीं है कि आपको शेयर करना ही होगा, अगर अच्छा लगे तो कर दो। और ये मैंडेटरी है कि आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो बस मैं आपसे मिलता हूँ अगली कोई वीडियो में नया कोई टॉपिक के साथ। तो बस तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे होम, स्टे सेफ।